कल से दीपा जी क्या ऊर्जा, क्या एनर्जी मैं इस वातावरण में महसूस कर रहा हूँ। फिरोज जी इतना शुरुआत में जरूर कह सकता हूँ कि मंजिलों को कभी यह ना बताओ, मंजिलों को कभी यह ना बताओ कि तुम्हारी तकलीफें कहाँ हैं, लेकिन तकलीफों को ये जरूर बताओ कि तुम्हारी मंजिलें कहाँ हैं। ये जो अंध अपंग लाचार बेचारा ये जो शब्द है, ये जो अंध अपंग लाचार बेचारा शब्द है, ये शब्द ही गलत है। आज हम शरीर से अंध अपंग हो गए, पूरा IIS खड़ा है हमारे साथ, लेकिन एक बार हम अगर मन से अंध अपंग हो गए तो सब कुछ खत्म। और परेशानियां और तकलीफें ही शुरुआत वहां से होती हैं जब हम अपनी शरीर की तकलीफों को अपने मन पे, अपने दिमाग पे ले लेते हैं। कवि मन क्या खूब कहता है कि कौन कहता है, कौन कहता है संग दिल को अश्क नहीं होते, कौन कहता है संग दिल को अश्क नहीं होते, हमने तो चट्टानों से भी झरनों को निकलते देखा है। और कौन कहता है तकलीफों में खुशियां नहीं मिलती, हमने कांटों पे गुलाबों को महकते देखा है। कौन कहता है, कौन कहता है जिंदगी में आगे बढ़ने को कांधा किसी का चाहिए ही चाहिए, अरे हमने तो अक्सर कांधों पे सिर्फ जनाजों को निकलते देखा है। और कौन कहता है मिट्टी ही जीवन का अंत है, हमने तो कई मजारों पे अनगिनत फूलों को खिलते देखा है, फूलों को खिलते देखा है। बड़ी मुश्किल से पेरेंट्स ने एक नॉर्मल स्कूल में डाला, उन दिनों सर्व शिक्षण अभियान नहीं था, अमर ज्योति नहीं थी, बड़ी मुश्किल से मुझे एडमिशन मिली, लेकिन अकेला था, ब्रदर सिस्टर कोई थे नहीं, स्कूल में भी ब्लैक बोर्ड पढ़ नहीं पाता, किताबें पढ़ नहीं पाता, ग्राउंड में खेलने जाता तो अरे तुझे दिखता नहीं, तेरा काम है सिर्फ हमारी किताबें, स्कूल बैग, टिफिन संभालना, मेरे दोस्त मुझे साइड पे बिठा देते। ये जो ऊर्जा, ये एनर्जी बच जाती, कहीं जाके घर पे निकलती, पेरेंट्स बाहर जाते, मैं अकेला रहता घर में, कहीं किचन में से छुरी चाके ढूंढ रहा हूँ, कहीं पतंगे बनाने की कोशिश करता, कहीं से गिल्ली मिट्टी लाके क्ले में से कुछ न कुछ अलग खिलौने बनाने की कोशिश करता, कोशिश होती कुछ अलग करूं, कुछ हटके करूं, पूरा घर मेसअप हो जाता, काफी बार पनिशमेंट मिलती, लेकिन माँ का बहुत सपोर्ट था, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, वो हर बार कहती, यहाँ भी काफी मदर्स हैं अपने बच्चों के साथ, मेरी माँ हर बार सिर्फ एक बात कहती कि बेटे आप दुनिया को नहीं देख सकते, कोई नहीं, बिल्कुल भी अपना मन छोटा मत करो, लेकिन जीवन में ऐसा जरूर कुछ करने की कोशिश करो कि दुनिया आपकी ओर देखना शुरू करे। और बस उसका सपोर्ट था। 12th के बाद में डिग्री कॉलेज चालू होने को काफी वक्त था, करें तो कुछ क्या करें, कुछ अलग करें, मैंने और मेरे एक फ्रेंड जिसका एक पैर नहीं था, वो चल नहीं पाता था, मैं देख नहीं पाता था, हमने मिलकर एक ऐसी साइकिल बनाई जिसको दो पेडल डाले, वो हैंडल पकड़ के पेडलिंग करे और पीछे मैं दूसरे पेडल से उसको जोर लगाऊं। और नागपुर में पढ़ता था, विदर्भ में, नागपुर से नेपाल, काठमांडू और वापस नागपुर, हमने एक साइकिल टूर पूरी कर डाली, एज ऑफ 17 and a half, 5,620 किलोमीटर की यह साइकिल टूर थी 45 दिनों में, जिसको वर्ल्ड रिकॉर्ड का दर्जा दिया गया। उस साइकिल टूर ने बहुत कुछ सिखाया, आगे जाके ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, लेकिन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान पेरेंट्स महाबलेश्वर महाराष्ट्र में स्थायी हो गए, जो भी डैडी के पास बचत थी, जो पुश्तैनी उनके पास में जो जमा पूंजी थी, उसमें से एक 10 acres का प्यारा सा स्ट्रॉबेरी का फार्म हाउस और एक घर लिया गया कि अब बच्चा एक का एक लड़का है, उसको दिखता नहीं है कुछ नहीं, तो ये फार्म में कुछ काम कर लेगा। मैं भी ग्रेजुएशन के समय बहुत निश्चित था कि चलो कुछ करने के लिए है आगे, कुछ नहीं तो फार्मिंग ही कर लेंगे। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट और सेकेंड ईयर के दौरान समझ में आया माँ को ब्लड कैंसर है। 49,500 का एक इंजेक्शन US से आता था, ऐसे 30 केमोथेरेपी के इंजेक्शंस, जो जमा पूंजी, जो हमने एक सुंदर महल खड़ा किया था महाबलेश्वर में, धीरे धीरे उस ट्रीटमेंट के पीछे सब कुछ ढह गया। माँ को तो नहीं बचा सके, लेकिन मैं और डैडी उस ट्रीटमेंट के बाद हम रस्ते पे थे, बड़ी मुश्किल से एक 10x10 की खोली हम जुटा सके, क्योंकि हमारे पास डिपॉजिट देने के लिए भी पैसे नहीं थे उन दिनों, 5,000 रुपये।
मैंने नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड में जाके कोशिश की कि कुछ वोकेशनल ट्रेड की ट्रेनिंग लूँ, हट्टा खट्टा 6 फुट का। मुझे कहा ठीक है आप कुछ सीखना चाहते हो, और मेरी इच्छा थी कि कैंडल सीखूँ, वहाँ पे कैंडल सिखाई जाती थी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अभी नया मसाज का कोर्स शुरू हुआ है, आप उसमें जाइए, आप जरूर संस्था का नाम रोशन करोगे। हुआ भी ऐसा ही, उस एक साल की ट्रेनिंग के दौरान मैंने बेस्ट मसाजिस्ट का खिताब भी पाया। लेकिन ये मसाज करते करते मेरा ध्यान उस कैंडल के वर्कशॉप की ओर होता, जहाँ पे और बच्चों को कैंडल सिखाई जाती थी। और बाद में मैंने थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके काम करना शुरू किया। 6 महीने के बाद मैं आधा आधा जब मसाजिस्ट हो गया, तो मेरे उस कैंडल के इंस्ट्रक्टर को मैं फ्री में 3-4 मसाज दे दिया करता था, और उससे मैंने एक सादी मोमबत्ती सीख ली। बस महाबलेश्वर लौटा सर्टिफिकेट्स लेके, पैसे तो थे नहीं कि कुछ इंडस्ट्री शुरू करूं, डैडी से मांग नहीं सकता था। मैंने मसाज देना शुरू कर दिया, 10-20-25-50 रुपये जो भी बचते बचाता। और जब 7-8 हज़ार रुपये मेरे पास जमा हुए, उसमें से एक सादी मोमबत्ती की डाई, जो साचा होता है, डाई होती है, एक प्लेन कैंडल की डाई, और जो कुछ पैसे बच गए उसमें से 20 kg जितना वैक्स मैंने खरीदा। और उस 10x10 की खोली में एक टेबल पे सनराइज कैंडल की नींव पड़ गई। दिन भर कैंडल बनती, अब बड़ा प्रॉब्लम था कि बेचूं कहाँ, अगर बेचूंगा नहीं तो रोलिंग नहीं होगी, और कच्चा माल लाऊंगा कहाँ से। तो मेरा एक दोस्त था जो मार्केट में चाय बेचा करता था, उस हाथ गाड़ी पे, हैंड कार्ड पे, वो बिना छत वाली जिसमें फल सब्जियां भी लोग बेचते हैं, मैंने उससे करार कर लिया 50 रुपये रोज पे। लेकिन उस 50 रुपये में उसने घर से उठाना है, मुझे वहाँ पे छोड़ना है मार्केट में। 5 बजे शाम को मैं मार्केट में वो कैंडल बेचने के लिए जाता, रात को वापस वो मुझे घर छोड़ देता। ठीक ठीक ही चल रहा था। मेरे पूरी पढ़ाई के दौरान मुझे एक ही बात सिखाई गई कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो अपना दिमाग लगाओ। लेकिन लास्ट तक मैं ये बात समझ नहीं पाया, मुझे पूरा यकीन था कि अगर आप बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हो तो अपना दिल लगाओ, अपना मन लगाओ, और इसी के चलते जो सामने आता उसको मैं अपना ब्रांड एम्बेसडर समझता। और वहाँ से यहाँ तक कि इन 15-17 सालों के सफ़र में उन्हीं लोगों ने हजारों की संख्या में नए कस्टमर मुझे ला के दिए। लेकिन पहचान हुई, दोस्ती हुई, काम बढ़ा, लेकिन कुदरत का जो सबसे बड़ा अवार्ड मुझे मिला वो मेरी धर्मपत्नी नीता के रूप में। अपने पूरे परिवार के साथ वो महाबलेश्वर उन दिनों छुट्टियां मनाने आई थी, उस कैंडल के स्टॉल पे शाम को पहचान हुई, और फिर एक ऐसा कमाल हुआ कि बस हमने उसको जाने ही नहीं दिया, वो वहीं की होके रह गई। आप कह सकते हो पहली नजर का प्यार, नजर उसकी थी, प्यार मेरा था। और ऐसा भी नहीं है, मैं भी उन दिनों काफी हैंडसम हुआ करता था। उसका सपोर्ट मिला, शादी के बाद काफी ठीक ठीक था, मैं, नीता और डैडी का गुजारा हो ही जाता था, उतना कमाई लेते थे कि तीनों 2 टाइम की रोटी जुटा सकें। लेकिन एक गिल्ट बिल्कुल रहती थी। एनएबी में साल भर की ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारे मैं मेरे ब्लाइंड दोस्तों से मिला था जो बहुत पुअर परिवार से थे। महाबलेश्वर में जब टूरिस्ट सीजन भरती तो दूर दराज से लोग, करीब 40-45 लाख लोग आते हैं महाबलेश्वर में, तो दूर दराज से ब्लाइंड फ्रेंड आते हैं महाबलेश्वर में घूमने के लिए नहीं, भिक्षा मांगने के लिए, कि भीड़ है ज़्यादा भिक्षा मिलेंगी। तो ये गिल्ट मेरे को रहती कि मैं स्थायी हो गया, मैं अपने पैर पर खड़ा हूँ, मेरे उन दोस्तों का क्या होगा। और एक दिन रहा नहीं गया तो जब मेरे स्टॉल के सामने से 3-4 ब्लाइंड बच्चे भिक्षा मांगते हुए निकले, मैंने उनको रोका, साइड पे लिया, बाजू में चाय की टपरी थी, स्ट्रीट होकर था मैं, गटर के बाजू में नगर पालिका के पीछे गटर बहती थी, वहीं सामने दुकान लगाता था, चाय मंगवाई और धीरे से पूछा, और कितना जुटा लेते हो दिन में। किसी ने जवाब नहीं दिया। मैंने, यार डरो मत, मैं भी तुम्हारे सरीका हूँ, मैं भी ब्लाइंड हूँ, मुझे भी नहीं दिखता, देखो ये मेरा स्टॉल है, अब बताओ कितना जुटा लेते हो। अब इस धंधे में बचा क्या है, वो चाहते थे शायद, उनको ये समझ में आया कि मैं भी उस बिजनेस में शामिल होना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे टालना शुरू किया। अब इस धंधे में कुछ बचा नहीं है, मैंने कहा यार मैं कुछ और सोच रहा हूँ, आप बताओ। 150-200 रुपया कमाई लेते हैं दिन भर में, इतना मिल ही जाता है। मैंने कहा आपको 400 रुपया दूँ, ये काम छोड़ोगे। ऐसे बहुत लोग मिले सपने दिखाने वाले, लेकिन हर बार हमें धोखा ही मिला है। उन्होंने कहा मतलब रोज का दे दूं तो शाम को, और उसके साथ खाना और रहना फ्री, बस डील पक्की हो गई। चारों बच्चों को मैंने और नीता शाम को लिया, हमारे उस छोटे से घर पे ले गए। जल्दी हमने एक भाड़े पे वर्कशॉप लिया,
साथ में तीन चार रूम भाड़े पे और लिए जहां ये बच्चे रह सकें। ऐसा करते करते काम बढ़ने लगा, उनको काम सिखाया, 25 लोगों की संख्या हो गई, सभी ब्लाइंड, दिन भर काम करते और बेचने के लिए वो मार्केट का एक छोटा सा स्टॉल। अब परेशानी ये होने लगी कि चीजें बनती ज्यादा थी, बिकती कम थी। तो वापस बड़े बुजुर्गों की एक बात याद आ गई, वो हर बार किया करते थे, जितनी चद्दर है उतने पैर पसारो, आपने भी सुनी रहेगी, मुझे तो बहुत बार सुनाई गई बचपन में कि तुम्हारी चद्दर है उतने पैर पसारना सीखो। दिमाग बिल्कुल कह रहा था और करो समाज सेवा, इन लोगों को पालोगे कैसे। आपने याद नहीं रखा बड़े बुजुर्ग क्या कह के गए। तब दिल की गहराई से एक बात आई, अरे उस एक निर्जीव सी चद्दर के लिए मैं अपने सजीव पैर को क्यों तकलीफ दूं, आज मेरे पैर लंबे हैं, उतनी बड़ी चद्दर मैं क्यों नहीं बना सकता। आज 25 लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरे परिवार का हिस्सा है, तो मैं 50 लोगों के लिए काम लेके आऊं। बस उस दिन हमने फैसला कस लिया, आधे लोगों को मैन्युफैक्चरिंग में डाला, आधे लोगों को मार्केटिंग में डाला, और आज उसका ही नतीजा है, ऐसी एक समा बन गई कि जो 25 लोग वहां पे थे आज 350 लोग मेरे साथ हॉस्टल में रहते हैं, वहां पे सबके लिए काम है, सबके लिए रोजगार है। जो इस एक डिजाइन से हमने शुरुआत की थी आज 10,000 डिजाइन सनराइज कैंडल प्रोड्यूस करती है, और जो 20 किलो से मैंने शुरुआत की थी 200 टन मोम हमको कम पड़ जाता है दोस्तों। और आगे बढ़ते बढ़ते ऐसा कमाल हो गया कि 65 देशों में हमारे प्रोडक्ट जाते हैं। हमने कभी सिंपैथी सहानुभूति पे ये कैंडल बेचने की कोशिश नहीं की, हम चाहते कि इसको क्वालिटी पे बेचा जाए। बीच में आईआईटी दिल्ली और सिम्बोसिस पुणे ने हमारे लिए एक रिसर्च की, उसमें समझ में आया कि 10,000 करोड़ की कैंडल चाइना से इंपोर्ट होती है। कुछ भी कैंडल के बारे में रहा तो चाइना, बस चाइना की कैंडल का R&D करो और आगे बढ़ो। अब तो ऐसा हाल है कि वो डेंगू के मच्छर भगाने के लिए मच्छर भी चाइना से आने वाले हैं, तो हर चीज चाइना से। हमने कसम खा ली कि सनराइज कैंडल को उस बुलंदी पे लेके जाए, क्या बहुत हो गया चाइना चाइना। और अब उस स्तर पे हम पहुंच चुके हैं कि आने वाले दिनों में सनराइज कैंडल्स की किसी एक प्रोडक्ट का R&D चाइना के किसी उस गांव में हो रहा होगा। और दोस्तों आज इतना बड़ा परिवार, आप अगर मैं रकम की बात करूं तो उससे आप ज्यादा ठीक से समझ पाओगे कि हर एक मेरा ब्लाइंड फ्रेंड 10,000 रुपये से 35,000-37,000 रुपया महीने का कमा लेता है। जो घर इनको कभी संभालते नहीं थे, आज पैसा भेज के वे लोग अपना घर संभालने लग गए। और हमने एक और कसम खा रखी है कि जिंदगी में कुछ भी हो गया, किसी भी प्रकार का दान देनगी डोनेशन हम स्वीकार नहीं करेंगे। 2008 में भारत का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप है, उसने हमें बेस्ट ब्लाइंड एंटरप्रेनर का अवार्ड देने के लिए बुलाया बॉम्बे में। अवार्ड फंक्शन के बाद में उनके वाइस प्रेसिडेंट ने साइड पे बुलाया, मिस्टर भाटिया हमारे MD सर ने आपके लिए चेक रखा हुआ है, 51 लाख का चेक है, हम आए थे आपका एक भाड़े पे वर्कशॉप था, आप बड़ी फैक्ट्री डालिए, और चाहिए तो और मांग लीजिएगा। मैंने कहा सर इसकी जरूरत ही नहीं है, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप हमें काम दें। और बस ये बात उनको समझ में आ गई और 2008 से हम कॉर्पोरेट से जुड़े, आज 1,000 से ज़्यादा कॉर्पोरेट्स के लिए हम काम करते हैं। और बस कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा और दोस्तों को जोड़ा जाए, उनको उनके पैर पे खड़ा किया जाए। 2012 में सत्यमेव Season 2 Episode 6 की शूटिंग हुई, आमिर खान जी खुद हमारी फैक्ट्री पे आए, बहुत खुश हुए। उस छोटी सी रेकड़ी, उस छोटी सी हैंडकार से यहाँ तक का, इस IIS के मंच तक का जो सफर है, फिरोजी इंग्लिश अल्फाबेट्स के 2 नेबर मुझे इसके लिए बहुत काम आए। अब आप बोलोगे ये 2 नेबर कौन है इंग्लिश अल्फाबेट्स के, दोस्तों एक है H मतलब हार्डवर्क मेहनत, और दूसरा है हमारा प्यारा IIS। और उस छोटे से टेबल से यहाँ तक का जो सफर था, उसमें जो मेहनत थी वो ऐसा रंग लेके आई कि इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये जो दिया होता है, मोमबत्ती होती है, कि समा भी हवा में रोशन हो सकती है, समा भी हवा में रोशन हो सकती है, कश्ती तूफानों से निकल साहिल से जुड़ सकती है। आज जो छोटी टहनी है कल लंबी पतवार बन सकती है, आग की छोटी चिंगारी कल आग की ऊंची दीवार बन सकती है,
मिट्टी जो रौंदी गई पैरों तले वह कल ऊंची मीनार बन सकती है, बस तू एक बार मेहनत कर ले मेरे दोस्त, तेरी भी किस्मत बदल सकती है, तेरी भी किस्मत बदल सकती है। काफी दोस्तों से मिलता हूँ, काफी कॉर्पोरेट्स में जाता हूँ, काफी स्कूल कॉलेज में जाता हूँ, सब समझ में आता है कि छोटी छोटी बात में वो हताशा में बैठे हैं, डिप्रेशन में बैठे हैं। और स्कूल कॉलेज में जाओ तो वही टीनेजर वाला अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला ब्रेकअप और दुखी हो गए, फेल हो गए, दुखी हो गए, मेडल्स नहीं आए, चौथा पांचवा नंबर आया, फेल हो गए। बस इसमें हम छोटी छोटी बातों में बॉस ने डांट दिया, प्रोजेक्ट पूरा कर नहीं पाए, बस हम हताशा में चले जाते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, बीच में मैंने और मनीता ने एक प्यारी सी फिल्म देखी थी आमिर खान जी की, हाँ थ्री इडियट, क्या फिल्म थी, बहुत अच्छी लगी। लेकिन एक बात मुझ में उसमें समझ में नहीं आई कि वो एक जो स्टूडेंट होता है वो हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा पाया तो खुद उड़ गया, और तो ये थोड़ी कुछ बात होती है। बहुत हम जिंदा हैं, हमारे दिल में धड़कन चल रही है, यही ईश्वर की सबसे बड़ी देन है। बस हम आगे बढ़ें, ये डिप्रेशन हताशा से बाहर निकलें। और उन दोस्तों को मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि होके मायूस ना कभी ढल जाना शाम के अंधेरे की तरह, होके मायूस ना कभी ढल जाना शाम के अंधेरे की तरह, जीवन एक सुबह है, रोज उगते रहो भोर के सूरज की तरह। जो बीत गया, बस उसको डस्टर से साफ करें और हमारी जिंदगी को सुवर्ण अक्षरों से लिखने की वापस शुरुआत करें। दोस्तों गांधी जी की और तीन बंदरों वाली बात बचपन में हमें सुनाई गई, आप सबको भी याद है, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। नो डाउट हम में से काफी लोग के ऊपर वो स्टोरी लागू भी नहीं होती, लेकिन आज 21वीं सदी में एक और बंदर की जरूरत है और वो है बुरा मत सोचो। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। दोस्तों इतना याद रखें, मैं तो कहता हूं ये लाइन को हम बिल्कुल रोज दोहराए कि राह देखने वालों के हाथ में, जो राह देखते बैठे रहते हैं, अपॉर्चुनिटी की राह देखते हुए, कुछ तक की कुछ संधि की राह देखते हुए जब हम बैठे रहते हैं, उन लोगों के लिए इतना जरूर कहना चाहूंगा कि राह देखने वालों के हाथ में उतना ही आता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। काफी दोस्तों से हाथ मिलाता हूं, बड़ी परेशानी होती है, और उनकी सर उंगलियों में अंगूठी, मैंने यार ये क्या बात हो गई, अरे हमने भी तुम्हारी तरह बहुत पापड़ बेल लिए, लेकिन अब बस अब इन सब ग्रहों के ऊपर छोड़ दिया है, अब उन्होंने नैया पार लगाई तो लगाई। मैं किसी की भावनाओं को नहीं, आपके हाथ में भी तो छुपाइएगा मत, मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन उन दोस्तों के लिए इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हम हमारी जिंदगी के सर्जना खुद हैं। और इतना याद रखें कि शब्दों के शमशेर चलाता हूं मैं, शब्दों के शमशेर चलाता हूं मैं, पानी से तस्वीर बनाता हूं मैं, शब्दों के शमशेर चलाता हूं मैं, पानी से तस्वीर बनाता हूं मैं, कायर है वो जो किस्मत की बात करते हैं, अरे किस्मत की तो खुद तस्वीर बनाता हूं मैं, तस्वीर बनाता हूं मैं। उस साइकिल टूर के बाद मैं करीब करीब जीवन से स्पोर्ट्स निकल गया। इस जिंदगी को गाड़ी पे पटरी पे लाते लाते 27, 28, 29 साल की उम्र हो गई, जिस उम्र में स्पोर्ट्समैन ग्राउंड छोड़ देते हैं, उस उम्र में मैंने वापस डिस्ट्रिक्ट से खेलना शुरू किया। शॉर्ट पुट, डिस्कस, जेवेलियन, ये मेरे प्रिय खेल रहे हैं। 2002 में पहली बार स्टेट खेला, 2004 पहली बार पैरा ओलंपिक नेशनल खेला, और 2006 से दोस्तों शॉर्ट पुट का मैं रिकॉर्ड लेके हूँ, नेशनल रिकॉर्ड लेके हूँ। लंदन 6 इंच के लिए मेरा मेडल गया, लेकिन मैंने अपने आप से वादा किया है कि 2016 का ब्राजील का गोल्ड मेडल मैंने बिल्कुल अपने देश के लिए लेके आना है। फैक्ट्री पे जहाँ पे मैं काम करता हूँ, मेरे टेबल पे बड़ा सा मैंने कार्डबोर्ड का एक मेडल काट के रखा हुआ है गोल, उसको दिन में कितनी बार छूता हूँ और अपना जो वादा है उसको मैं याद करता हूँ। मेरा स्पेन का कोच कहता, अभी आपको बता दूं कि नीता कहती है तुम जिम तक रोज नहीं आ सकते, जिम तो तुम्हारे तक आ सकती है, उसने फैक्ट्री पे एक बड़ी जिम लगवा दी। अब 44 साल की उम्र में रोज सुबह 500 डिप्स न मालू, पुशअप्स न मालू, तब तक नाश्ता भी नहीं मिलता, परेशानी यहाँ पे। और उससे आगे बात ये होगी कि मेरा स्पेन का कोच कहता है, जो बार्सिलोना का गोल्ड मेडलिस्ट था शॉर्ट पुट का, वो कहता है तू सब कुछ ठीक कर रहा है लेकिन स्टेमिना के लिए तूने 10 किलोमीटर और दौड़ना भी है। अब 10 किलोमीटर मेरे साथ कौन दौड़े? नीता ने कहा उसका भी इलाज है अपने पास, अपनी कार में बिठाया। अच्छा वो मेरी बेस्ट ड्राइवर भी है, पर्सनल ड्राइवर। 19 साल में ना मैंने उससे कभी ड्राइवर का पगार दी, ना उसने कभी मांगी, उसने ड्राइवर में बिठा, गाड़ी में बिठाया, और हमारे एक पोलो ग्राउंड है बहुत बड़ा ग्राउंड, वहां पे लेके गई।
एक किलोमीटर का बड़ा सा राउंड होता है, उसने कार की डिक्की खोली, एक नायलॉन की रस्सी निकाली, शायद 15-20 फुट की, कैरियर को बांधी। अब देखो ये कार है, ये रस्सी है, ये छोर आप पकड़ो, ये कोना रस्सी का आप पकड़ो, मैं गाड़ी चलाती हूँ, और बस हमारी दौड़ने की प्रैक्टिस शुरू हो गई। अब यहाँ नहीं है इसलिए मैं अंदर की एक बात करना चाहूँगा, क्योंकि आप तो सब मेरे परिवार का हिस्सा हो। 3-4 दिन सब कुछ ठीक चला, बढ़िया प्रैक्टिस हुई, बढ़िया नाश्ता मिला, लेकिन 5वें-6वें दिन से मुझे समझ में आने लगा दीपा जी कि कहीं दब के रहना पड़ता है मुझे नीता से। होता ऐसा था कि गलती से भी मैं आज दिन भर में ऊंची आवाज में बोल दूं तो कल सुबह वहां गाड़ी की स्पीड बढ़ जाते थे। लेकिन ये पूरे 114 के 114 मेडल उसको समर्पित है। सब तो ला नहीं सकता था लेकिन कुछ लेके आया हूं। कई बार शांत मन से सोचता हूं कि ट्रॉफी, अवार्ड्स, मेडल, क्या यही हमारा जीवन का एक एम था? तब समझ में आता है ये सब सेकेंडरी है। आज सबसे बड़ा जो लक्ष्य है या जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि इतने सारे मेरे स्पेशल जो मेरे विजुअल इम्पैक्ट फ्रेंड्स हैं उनको काम है, यही हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। हम रोज सुबह जब इकट्ठा होते हैं तो ईश्वर को, उस परवरदिगार को, गॉड को प्रेम में इतना ही कहते हैं कि पहाड़ों मत करो गुरुर अपने पे इतना। हम रोज उनसे प्रेम में कहते हैं कि हमारे पैर जमीन से लगे रहें, इन छोटी मोटी सफलताओं से हम हवा में उड़ना शुरू न करें। और इसी के लिए कहना चाहूँगा कि पहाड़ों मत करो गुरुर अपने पे इतना, पहाड़ों मत करो गुरुर अपने पे इतना, हमने आसमान से भी परे मंजिलों को तलाशना सीख लिया है। बहारों मत करो गुरुर अपने पे इतना, हमने भी तकलीफों में खुशियां मनाना सीख लिया है। घटाओ मत करो, जो पानी लेके बादल चलते हैं, कि घटाओ मत करो गुरुर अपने पे इतना, हमने भी आंखों के पानी को सीने में छुपाना सीख लिया है। फिजाओ मत करो गुरुर अपने पे इतना, हमने फूलों को चमन में नहीं अपने दिलों में उगाना सीख लिया है। और ये अंतिम लाइन आप सबके लिए है कि हवाओ मत करो गुरुर अपने पे इतना, हवाओं मत करो गुरूर अपने पे इतना, हमने पंखों से नहीं अपितु हौसलों से उड़ना सीख लिया है, हौसलों से उड़ना सीख लिया है। कल से हम सुन रहे हैं कि करोड़ों की संख्या में हमारे विजुअली इम्पैक्ट स्पेशल फ्रेंड्स इस धरती पे हैं, हर एज में। एक एज के बाद में बिल्कुल हम एक और मुड़ते हैं, आध्यात्म की ओर मुड़ते हैं, जिसमें निर्वाण मोक्ष की बात आती है। मैं समझता हूं इस दुनिया को अलविदा कहूं, ऊपर जाऊं, उसके पहले कम से कम एक 25,000-50,000 मेरे विजुअल इम्पैक्ट फ्रेंड्स को उनके पैर पे खड़े रख के जाऊं, मैं समझूंगा मुझे जीते जी मोक्ष मिल गया, मुझे कोई मंदिर कोई मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं। और यहाँ मुझे बुलाया उसके लिए फिरोज जी, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और मेरा स्थान ग्रहण करने के पहले इतना जरूर कहना चाहूंगा, हे खुदा तेरी इनायत का शुक्रिया, हे खुदा तेरी इनायत का शुक्रिया कि परेशानियों को आसान बना दिया, हे खुदा तेरी इनायत का शुक्रिया कि परेशानियों को आसान बना दिया, और समेट कर अच्छाइयां सारे जहान की, उसमें से तूने हमारे फिरोज जी, IIS और आप सब दोस्तों को बना दिया। थैंक यू, जय हिंद। Feel the pride in me, feel the pride in you, feel the pride in us, feel the pride in me. Wow, that was so awesome. Can we have another round of big applause for Bhavesh Bhatia?